आई कैन नॉट इमेजिन यार, दिस मूवी इज रियली ऑसम। जब मैंने डंकी मूवी को देखा, कैसे मूवी की कहानी हमें ये बताती है कि एक दूसरे देश में जाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। वो तो सिर्फ अपना रेडियो लौटाने आया था, उसे क्या पता था कि उस इंसान से वो प्यार कर बैठेगा और वो उसके लिए वहीं पर ही रुक जाएगा। अपने प्यार को वो सिर्फ अपना बनाना चाहता था, बस वो वहां जाकर अपने प्यार को वो दोबारा इंडिया लेकर आ जाना चाहता था। उसकी लास्ट ख्वाहिश भी उसकी पूरी नहीं हो पाई। इस मूवी ने हमको बताया किसी के प्यार में हम खुद को किस तरह मार सकते हैं। वो तो सिर्फ अपने प्यार को पाना चाहता था, उस वजह से उसने अपनी खुद की जान ले ली। यू कैन नॉट इमेजिन दैट, अगर तुम ऐसा जाओगे किधर भी संघर्ष करना पड़ेगा, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे वर्स्ट पार्ट कौन सा था पता है? वो वाला जो कंटेनर में उन लोग थे। आई थिंक आई एम नॉट सर्वाइव दिस। जब इंग्लैंड पहुंचने के बाद उन लोग को रियलाइज होता है कि हम जहां पर थे वहीं पर ही ठीक थे। कैसे इंग्लैंड के गवर्नमेंट को ये कहना कि इंडिया से खतरा है, हमें यहाँ रहने दीजिए, कैसे अपने प्यार को ना चाहते हुए भी छोड़ के चले जाना। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना 20 साल पहले मैं तुमसे किया करता था। कैसे ये सीन देखकर कैसे मैं खुद को इमोशनल फील करूंगा। हर मूवी की कुछ ना कुछ खासियत होती है ना, कैसे कुछ प्यार अधूरा हो जाता है, कैसे अपने वतन को छोड़कर अपने वतन को वापस लौटाना, इतनी सारी संघर्ष लड़ने के बाद भी अपने वतन से इतना प्यार करना, शायद ही कोई मूवी इतने अच्छे से फील करवा सकती है।